चलो अच्छा टिक्की लाए हो क्या लाए? हाँ टिक्की लाए बिल्कुल बेहतरीन। चलो खोलो देखो, ज्यादा मिर्च तो नहीं पड़ी है? तो आज खाना नहीं खाओगे कोई लोग? कितना लाल लाल दिख रहा, मिर्च पड़ी है क्या? वो पड़ा है भाई, मूली का कस है कि आलू वाला कस लग रहा है। दही खोल लो, दही दही डाल लो, मीठी सोच आज मेरे घर में खाना नहीं बना है, आज सब चाट खाई जा रही है। दही बड़े लाए में रखते हैं। अच्छा दही बड़े भी लाए हो, तो ये खा लो फिर वो खा लेना, क्योंकि रोटी रखी है उनको वो खिला देंगे। वो कहाँ खाता है चटनी से, वो रोटी खाएगा चटनी से पराठा, रोटी खा लेगा उसकी रखी है और क्या है। और इनका खाना रखा, इन्होंने खाए ही कहाँ दोपहर में, आज प्रथम में गरम होगी बिल्कुल। दीजिए आप लोग भी खा लीजिए, गरम गरम टिक्की लाओ दो। अरे अपने खिलाओ भाई, व्यूअर्स को दो, हमारे व्यूअर्स बहुत हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो तुमने खा ली पहले ही, खा ली तुमने पहले देना चाहिए। ला पापा की टिक्की खिलाओ, लाओ आप दे दो, आप दे दो मेरे सब्सक्राइबर जितने हैं सबको खिला दो टिक्की। और नाडी बैठे हैं, नाडी चाट नहीं खाते हैं, नाडी को जो है रोटी खानी है, नाडी को कुछ नहीं लगता है रोटी के अलावा चटनी रोटी। लीजिए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम टिक्की। आज रात को बेटा चाट लेके आ गया था और इन लोगों ने खाना भी मना कर दिया था। सबसे ज़्यादा मिर्च वाली टिक्की मेरे ही हिस्से में आ गई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है और आज इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, सुबह से ही इनके सर में बहुत दर्द हो रही थी। फिर ये दूध लेने चले गए थे और वहाँ से बड़ी मुश्किलों से आए, मैंने बीपी चेक किया था तो बीपी भी कम था और ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैंने सर में तेल भी लगा दिया था, बिल्कुल भी इनको होश नहीं था। देखिए चाय भी मैं लेके आई तो चाय भी नहीं पी इन्होंने, और पानी के लिए बोल रहे थे क्योंकि बीपी लो था तो, और कॉफ़ी इस समय घर में ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने थोड़ा सा पानी में नमक डाल के इनको दे दिया है। बताया था ना कॉफ़ी के पैकेट ख़त्म हो गए, कॉफ़ी ले आना वही ज़्यादा सही है, ना पी लो एक। सब्जी छोड़ दी जाके थोड़ा सा नाश्ता तो तैयार कर ही रहे हैं। सुबह से ही इनका जी भी मिचला रहा था और वॉमिटिंग सी लग रही थी, तो ये पहले ही बताया था, देखिए कितनी तेज़ की वॉमिटिंग हुई है इनको, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एकदम। इनकी तबीयत जब ख़राब होती है तो एकदम ऐसे ही ख़राब होती है, और आज हम लोग इन्हीं के चक्कर में पड़े रहे। देखिए बेटा भी उठ के आ गया है और पीठ सहला रहा है इनकी, क्योंकि बहुत बड़ी पलटी हुई थी और रात में भी कुछ नहीं, बस एक टिक्की ही खाई थी इन्होंने और कुछ भी नहीं खाया था। देखिए चूहा भी बंद हो गया है, बहुत परेशान करे था मंदिर में, तो बेटे से मैंने कहा इसको फेंक के आना है, फेंकना मत, रख देना, हम डाल देंगे मिट्टी में। आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बिल्कुल सब ऐसे ही पूरा समय बीत रहा है और ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, और जब कोई बीमार होता है घर में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बेटा सर दबा रहा था इनका, सुबह से ही इनके दर्द हो रही थी, तो एक बार मैंने तेल लगा चुकी हूँ मैं, और घर का भी सब काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। बेटे ने कहा मैं शॉप पे चला जाता हूँ, तो मैंने इसके लिए नाश्ता बना दिया है, मैंने सब्जी पराठा बना दिया था और इसको दे दिया है, तो ये खा के चला जाएगा और ये घर पर रेस्ट करेंगे, और जब इनका मन ठीक हो जाएगा तो, अगर मन होगा तो थोड़ी देर के लिए जाएंगे, वरना बेटा
जा ही रहा है। अब बेटा भी चला गया है नाश्ता करके, तो मैं अब घर में पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह मैंने खाली झाड़ू लगाई थी और जल्दी से नहा के पूजा वगैरह मैंने कर ली थी, क्योंकि मंदिर में भी भगवान को नहलाना होता है। और इनकी तबीयत नहीं सही थी, अगर कभी मैं नहीं भी करती हूँ पूजा सुबह जल्दी तो ये तो रोज कर ही लेते हैं, तो मुझे इतनी टेंशन भी नहीं रहती है मंदिर की। लेकिन आज मैंने सुबह ही नहा लिया था, क्योंकि ये तो पड़े हुए थे और मैंने मंदिर की भी पूजा उजा कर ली थी और बेटे को नाश्ता बना के दे दिया था। फिर मैं बाद में घर का पोछा लगा रही हूँ। देखिए अब इनको थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया है, दर्द में आराम मिली कुछ, तो दर्द की दवा भी इनको दे दी थी मैंने, दवा पहले ही खा लेते दर्द वाली। कैमरे में दुकान का देख रहे थे कि बेटा अकेला बैठा हुआ था और बोल रहे थे कि अब मैं जाऊंगा, तो मैंने कहा कुछ खा के जाइएगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे अपने अपने कामों में। आज मैं थोड़ा बिजी थी, आज की तबीयत नहीं सही थी, तो सुबह से ही ज़्यादा इनका बीपी लो हो गया था और वॉमिटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। अभी तक इस समय दोपहर का 3:30 बजा है, 3:30 ही बजा है और घर ही पर हूँ। बेटा शॉप पे चला गया था, मैंने नाश्ता बना दिया था तो खा के चला गया था और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, दवा उन्होंने खा ली थी। जो थोड़ा आराम लग रहा है तो उन्होंने कहा है कि दलिया खाऊंगा मैं, तो मैं आज उनके लिए दलिया बना रही हूँ। मेरा सारा काम हो चुका है, तो मैंने दलिया चढ़ा दी है और अभी दूध डालूंगी, थोड़ी दलिया ही खाएंगे और मेरा सारा काम निपट चुका है। मैंने सब बर्तन वगैरह धुल दिए हैं, तो मेरा काम ठीक हो गया, किचन भी बिल्कुल क्लीन हो गई है। ये भी लेटे हुए हैं, नहीं कैसे इनकी तबीयत इतनी खराब हो गई आज। वैसे कभी ऐसा नहीं होता है कि वो शॉप पे ना जाए, और बहुत कम ही ऐसा होता है जब जब बहुत ही बर्दाश्त से बाहर होता है तभी वो शॉप पे नहीं जाते हैं। और आज वो बहुत परेशान थे, उनके सर में बहुत दर्द थी इनके, तो बेटा चला गया था और 3:30 बज गया है, अभी भी ये लेटे हुए हैं। थोड़ा सा इनको दवा खा के आराम मिला है, तो मैं दलिया खिला दूँगी इनको, और अगर हो सकेगा तो उनको अच्छा लगेगा तो थोड़े दिन जाएंगे, वरना आज नहीं जाएंगे ये। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मेरी वीडियो को फुल वॉच करिए, और कभी कभी समस्याओं के बीच में थोड़ा मेरा वीडियो लेट भी हो जाता है। बेटा भी सर दबा रहा था, मैंने भी डिप्स लगाई, 2 बार इनको तेल लगाया सर में, और देखिए गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है इस समय किचन में, मैं किचन में खड़ी हूँ, बहुत गर्म है, पसीना आ रहा है, जबकि आज नहीं बारिश हुई है लेकिन परसों तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो ठंड जैसा लगने लगा था, लेकिन अब बहुत गर्म हो गया फिर से, बारिश हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। गुड नाइट।